फ्रेंड तो स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग सभी का। तो आज हमारे खुरपिया गांव है, वहीं पे खुरपिया पार्क भी बना है जो कि बहुत ही सुंदर पार्क है और बहुत फेमस पार्क है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए और हम लोग भी आए हैं आज घूमने के लिए और आपको दिखाते हैं यहाँ पर कितना अच्छा पार्क है और कैसा है। और पहले तो आपको टिकट लेना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, टिकट का प्राइस 20 रुपये है, उल्टा दिख रहा होगा पता है पर समझ सकते हैं आप लोग। और चलिए आपको दिखाते हैं पार्क, उससे पहले हम बाहर हैं और बाहर का कुछ लुक आपको दिखाते हैं। ये देखिए मतलब इस समय भी अंदर खुरपिया मतलब जो पार्क उसके अंदर नहीं गए हैं, बाहर ही है। तो ये देखिए किताबों का बगीचा, तो इसको खोलते हैं इसमें किताब है कि नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें इतना किताब है कि मतलब दिख ही नहीं रहा है, इससे अच्छा इसे बंद कर देते हैं हम लोग। और भी है यहाँ पर दिखाते हैं। और ये देखिए चिड़िया के लिए यहाँ पर बनाया गया है, तो यहाँ पर चिड़िया हमें तो लग नहीं रहा होगी। और इसमें भी किताब होगा? नहीं है भाई, किसी में किताब नहीं है। इधर भी होगा किसी में भी किताब नहीं है। देखिए यहाँ पे भी लिखा गया है किताबों का बगीचा। देखिए इस वाले डब्बे पे लिखा है इतिहास का पेड़। अब इस डब्बे के अंदर इतिहास का पेड़ क्या हो सकता है भाई? देखिए आप लोग, कुछ नहीं है, बस कबाड़ है। और एक छोटा सा यहाँ पे मतलब नाला टाइप में है। और मतलब यहाँ पे देखेंगे विज्ञान का पेड़, मतलब बहुत सारे यहाँ पे पेड़ है। आपको बहुत अजीब अजीब पेड़ दिखेंगे जो कि आप कभी सुने भी नहीं होंगे, नहीं कभी देखे होंगे। और ये देखिए पेड़ पे छोटा छोटा घर लगाया गया है, मतलब दिखने में अच्छा लगता है ये बैठने के लिए। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। तो आप ये जो बेंच देख रहे हैं इस पर लिखा गया है खाली बैठने से अच्छा है बैठ कर कुछ पढ़ना। तो भाई इसमें तो किताब है ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या भाई? जब हाथ में फ़ोन रहेगा तो फ़ोन ही ना सब लोग चलाएंगे, कि किताब कौन पढ़ रहा है? बाल कहानियों का पेड़ कहाँ? इसके अंदर भी देखिए आपको दिखाई, इसके अंदर भी किताब नहीं होगा, सब खाली है। चलिए आपको दिखाते हैं और इस साइड चलते हैं आपको अंदर। आपको छोटी सी वीडियो पूरा कवर कर, देखिए झूला टाइप में इसको बैठ के बाद ट्राई करेंगे। और देखिए बॉक्सिंग वाला है, एक बार हम भी ट्राई करके देखते हैं लगता है कि नहीं बॉक्सिंग। और देखिए खुरपिया पार्क पे आ गया है, आपका हार्दिक स्वागत करता है। देखिए एंट्री टिकट 20 रुपये है और घोड़ा टिकट 50 रुपये है, बोटिंग टिकट 25 रुपये है। और तो हम लोग एंट्री टिकट लिए हैं 25 रुपये वाला और अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं। यहाँ से टिकट लेते हैं और ये बगीचा टाइम यहाँ पर लगाया गया है। और यहाँ पे देखिए जो खुरपिया लिखा गया है ये रात में जलता है और यहाँ पे रिलैक्स के लिए है। यहाँ पे रेस्टोरेंट टाइप में आ गया, यहाँ से कुछ लेंगे या ख़रीद के कुछ खा सकते हैं, ऑर्डर पे बनता है। और यहाँ पे भी देखिए मतलब एक घर टाइप का यहाँ पे फीलिंग आता है अगर यहाँ बैठेंगे तो। और ये देखिए चिड़ियों के लिए बनाया गया है छोटा सा घोंसला। और ये डस्टबिन टाइप का, इसके अंदर पूरा खाली है। और ये ऊपर आइए, ये रूम तो बंद है और यहाँ पे भी बैठने के लिए बनाया गया है। देखिए ये मतलब घर टाइप का लग रहा है, इस टाइम धूप हो गया। और आपको एक बहुत ही मस्त कुत्ते से मिलाएंगे, इतना बड़ा है कि आप देखेंगे तो खुद विश्वास नहीं होगा कितना बड़ा कुत्ता है। और ये पानी देख रहे हैं, आइए दिखाते हैं, पता नहीं इसका क्या नाम था भाई। तो आप देख सकते कितना बड़ा कुत्ता है, देखिए सो रहा है इस टाइम, अभी बाहर निकला नहीं है, पता नहीं इसका क्या नाम था भूल गए, पर बहुत ही बड़ा कुत्ता है। और एक और छोटा कुत्ता है उसको भी दिखाएंगे, पता ना कहाँ गया ऊपर। और ये रात में वाटरफॉल की तरह लगता है जब चलता है, तो प्रेशर वाला है। फिलहाल में तो बंद है, अब देख ही रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे बोटिंग के लिए 25 रुपये लगता है चार्ज। इसके अंदर देख सकते खाली है, कोई है नहीं, चिड़िया उड़िया कृपया यहाँ पे कुछ दिया गया है, कृपया किसी भी पक्षी एवं पशुओं को हाथ न लगाए। ठीक है भैया, नहीं लगाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए मुर्गियाँ हैं, कहाँ गई भाई? इस टाइम अंदर आ गया है। देखिए एक ये मुर्गा है, मुर्गी नहीं पता, ब्लैक वाला है। और ये देखिए इसको, ये वाइट वाला है। और आइए रेस का घोड़ा दिखाते हैं आपको, देखिए
इसको देखिए आप लोग, आजा भाई देख लीजिए आप पूरे पूरे अच्छे से घोड़े को, और आइए सबसे बहुत बड़े जानवर बहुत खतरनाक जानवर को दिखाएंगे, शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, खरगोश है। ये गौशाला है, देखिए कितने सारे गौ है। अब ये मत कहिए गौशाला में दोनों ये कुत्ते क्या कर रहे हैं, अब मुझे नहीं पता ये लोग बांधे होंगे तो, पर ये देखिए गौशाला है, गाय रहती है यहाँ पे, देख लीजिए आप लोग अभी दो कुत्ते। हेलो दोस्त, क्या हाल है? ठीक है, ज़्यादा नहीं लगेगा। और चलिए आपको बेस्ट पक्षी दिखाते हैं, शायद आप देखे नहीं होंगे, देखिए ये पक्षी और वहाँ पर वो तीन है। इपिक इसका नाम है, फिर से बता दे रहे हैं इसका, इस पक्षी या इसे आप शतुरमुर्ग मत समझिएगा, शतुरमुर्ग ये इपिक है। अभी इसके पास तो नहीं जा सकते, रुकिए इसके आपको अंडे दिखाते, देखिए ये अंडे हैं इसके, और इसका नाम इपिक है। फिर जूम कर रहे हैं, ये देखिए इसके अंदर बैठने का चार्ज अलग लगता है अगर इन लोग के साथ बैठेंगे तो, अगर आप बैठेंगे खाना खाएंगे तो इन्हें भी खिलाना पड़ता है साथ में, देखिए। और इनका चारा लग रहा है नहीं, इसलिए टहल रहे हैं ये सब, देखिए। आ जाओ भाई, आ जाओ कम भाई, मतलब एक चोच मार देगा तो काम ख़त्म हो जाएगा। वो देखो वो खा रहा है, ये कीड़े मकोड़े खाते हैं। और देखिए यहाँ तक ये कौवे सबसे खतरनाक जानवर को भी पकड़ रखा है इन्होंने, कौवे तक को भी नहीं छोड़ा है। आइए दिखाते हैं। हेलो ब्रो, हेलो भाई, क्या हाल है? अरे भाई वीडियो बना रहे हैं, आ जा भाई तू भी आ जा। अरे भाई डोंट वरी, घबरा का रहो भाई। हेलो दोस्त, तो ये अभी डिप्रेशन में हमें लग रहा है इसलिए हमसे बात नहीं कर रहा है। और चलिए आपको और भी दिखाते हैं, अभी तो ये आधा हुआ है। और वो देखो वैसे पीठ लेके देख रहे हैं। आइए आपको खरगोश भी दिखाते हैं, वो दिख रहा होगा एक, अगर दरवाज़ा खोलेंगे तो वहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मतलब यहाँ इस वाले जो कोने पे यहाँ पे है सारे खरगोश। और आइए एक बार कोशिश करते हैं खोलने की, खोलो भाई देखें, भागेंगे डॉट रिक्स। हम यहाँ कैमरा लगाए हैं आते ही, ये देखिए मतलब आ गए ना पास, ये देख लीजिए खरगोश पूरा क्लोज से। ये देखिए तो क्लोज रन से फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए तो सारे खरगोश आगे बंद कर भाई, देखिए आप लोगों के लिए इतना रिस्क लिया है और फाइनली बनाई लिया है खरगोश का वीडियो। घोड़ा देख लीजिए, और देख सकते हैं आप हवा चल रही है तो गेहूँ, इस टाइम गेहूँ ही दिखेगा। आइए एक आपको एक मस्त चीज़ दिखाते हैं, देखिए इसके अंदर मतलब बल्लभ लगाया गया, ये इससे आप खांची वगैरह कह सकते हैं, इसमें बल्लभ भी नहीं है देखिए, बस होल्डर है सर। हाँ रुके, बगल इसमें बल्लभ रेड वाला, देखिए बताइए मतलब क्या ही सीन है इसके अंदर, देखिए करकट इतने छोटे एरिया में बोटिंग कैसे हो गया बताइए। इसका चार्ज 25 में बतख भी है, और कि वहाँ पे चल रहे हैं, इतने छोटे एरिया में बोटिंग करना बहुत ही मुश्किल है, बोटिंग कैसे करनी है, फिर भी इसमें डूबेंगे तो नहीं, इतना तो पता है हमें भी भाई लोग, स्विमिंग करनी पानी कहूँगा वह डूबे टूटेगा नहीं। और देखिए आप ऊपर आ गए, इसका नज़ारा पूरे खुरपिया का नज़ारा है, वो है बोर्ड 25 रुपये उसका चार्ज है, देख लीजिए और कैसा है खुरपिया पार्क बताइएगा कमेंट में। और उधर तो कुछ है नहीं, इधर चलता है शायद उसमें वो जो वहाँ पे वो बतख पर बतखों का रहने का जगह है, और देखिए सब बतख पूरे पानी का मज़ा ले रहे हैं, पूरे गर्मी का मज़ा, हम लोग की तो गर्मी से पूरी हालत बेकार है। कब क्या ही सीन है, देखिए अब अंदर आ गए, ये भी एक तरह का मतलब लाइट लगाया गया इसके अंदर,
रात में जलता है तो मतलब यूनिक तरीके का अच्छा मतलब फील होता है, मतलब अच्छा लगता है देखने में। और तो इसके अंदर कुछ है नहीं घूमने लायक, एक छोटा सा कुत्ता था उसे ढूंढ रहे हैं कहाँ गया। देखिए लग रहा है पब्लिक आ गई बहुत सारी। हाँ देखिए एक टेम्पो पब्लिक आई है। इधर ही कहीं था, अरे डस्टबिन है देख सकते हैं, इधर जाओ। अरे देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ बॉक्सिंग कर रहे हैं। और देखिए पब्लिक आ गई है एक गाड़ी पूरे भर के, छोटा वाला और छोटा वाला नहीं मिल रहा, छोटा वाला मिल नहीं रहा। और देखिए लाइट लगाया गया, मतलब रात के टाइम अच्छा लगता होगा। इसे तो आप जानते ही होंगे, पहले ज़माने में दुल्हन इसी से जाती थी, इसी नाम इसका नाम डोली है, बहुत फेमस चीज़ है। और ये तो इसे क्या कहते हैं, ये घोड़ा वाला है जो पहले ज़माने में यूज होता था, अब तो गाड़ियाँ आ गई हैं तब इसका यूज ही नहीं होता होगा। और ये कमरा है जो इससे में पेंटिंग हो रहा है, मना है जाने के लिए अंदर। और वो देखिए कुछ लोग आ गए हैं हीरो लोग, क्योंकि झूले का मज़ा ले रहे हैं बहुत अच्छे से। छोटा वाला कुत्ता मिल नहीं रहा है, बहुत ही खतरनाक कुत्ता था। छोटा वाला कुत्ता मिला नहीं हमें तो इसलिए वीडियो उसका नहीं बना पाया। बहुत हीरो तरीके का मतलब बहुत यूनिक मतलब अच्छा कुत्ता लग रहा था देखने में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी गलती हुई होगी वो माफ़ करिएगा। और मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आपको खुरपिया पार्क तो अच्छा लगा ही होगा, पूरा दिखाई दिया, और इसमें है नहीं कुछ, सब झूठ मूठ का लिखा गया है और कुछ तो।